नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2023 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। BSF अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र के प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि देश के जवान कठिन से कठिन परिस्थिति में देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। देश के सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वो देश की सुरक्षा में योगदान दें। BSF इस कार्य में सबसे आगे है। नेशनल सिक्योरिटी द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर कंट्रीज प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। यू नो इट मोर देन आई डू ऑफ लेट। द डेवलपमेंट दैट शुड हैव टेकन प्लेस अर्लियर आर टेकिंग प्लेस नाउ। The kind of road infrastructure we have, the kind of technological involvement that is taking place, the kind of arms that our people are being made available, and the kind of facilities that are being created for the human resource. This is not an obligation to them. This is our due. It is satisfying and gratifying to note that the attention is being paid by the governance mechanism very seriously. उपराष्ट्रपति ने BSF अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। साथ ही इस दौरान BSF के कांस्टेबल आनंद उरांव को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। कांस्टेबल आनंद ने बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों को ले जा रहे तस्करों को ललकारा था। तस्करों ने लाठी डंडों, पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आनंद ने डटकर मुकाबला किया और गोली लगने के बाद भी एक तस्कर को पकड़ लिया। BSF के हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह को उपराष्ट्रपति ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया। सुंदर सिंह ने अकेले ही 4-5 बांग्लादेशी तस्करों को चुनौती दी और उनके हमलों को नाकाम करते हुए एक तस्कर को दबोच लिया और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडमिरल्टी हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुए वार्षिक नेताओं के प्रथम शिखर सम्मेलन की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक और मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विचार विमर्श के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद भी दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर हैं। झारखंड पहुंचने पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन किए और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जयंती पर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने क्रांतिवीर प्रताप सिंह बारहट के उद्घोष का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वीर की मुक्ति समर भूमि में होती है। क्रांतिवीर प्रताप सिंह बारहट जी स्वतंत्रता संग्राम का वह उज्ज्वल सितारा थे जिन्होंने अल्पायु में अपने कार्यों से मां भारती को गौरवान्वित कर देशवासियों में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष KS हेगड़े की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट संदेश में लिखा, अपने उत्कृष्ट न्यायिक पृष्ठभूमि और दीर्घ विधायी अनुभव से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष KS हेगड़े ने सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करते हुए संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान दिया।
उनके कार्य हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।